तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी टीपीसीसी के अध्यक्ष कैप्टन एन उत्तम कुमार रेड्डी ने टीआरएस शासन के तहत दलितों, जनजातियों, बीसी, अल्पसंख्यक और कमजोर वर्गों पर बढ़ते हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। वह रविवार को हैदराबाद लिबरेशन डे के अवसर पर गांधी भवन में राष्ट्रीय ध्वज की मेजबानी के बाद बोल रहे थे। भारत ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता हासिल की, हालांकि पूर्व हैदराबाद राज्य 17 सितम्बर 1948 तक निजाम के शासन में था। उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में केंद्रीय गृह मंत्री थे, ने उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि राजकाज के शासन का अंत करने के लिए भारतीय संघ के साथ हैदराबाद की पहल और विलय की पुष्टि हुई, जिसने आम लोगों पर अपने अधिकारों और आवाज को दबाने के लिए आतंक फैलाया था। टीपीसीसी प्रमुख ने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी थी जिसने देश के लिए आजादी लाई और हैदराबाद को भारतीय संघ के साथ मिलाया और साथ ही तेलंगाना को राज्य का दर्जा भी दिया।